वीडियो वो बुद्धिजीवां लई है जेडे कहंदे ने ते कहंदे सी कि संत जी गलत कारवाइयां पा रहे सी, संत जी ने यह किया, संत जी ने वह किया। वो मूर्खो ये वीडियो जरूर देखो, जे तुहाडे उस दिमाग च जिहदे च जंग लगा है उहदी सर्विस करनी है। तो जेडे संत जी नूं प्यार करदे ने दिलों, जेडे संत जी नूं दिलों समझदे ने, जानदे ने कि संत जी ने साडे लई की कुछ नहीं किया, वो हक सानू लैके देन लई उन्हां ने धर्म युद्ध जिहड़ी लड़ाई लड़ी, जिहड़े हक्कां लई अज वी असीं सड़कां ते धक्के खा रहे हां। सरकारां सानू कुट कुट के साडी, जिवें कहिंदे आ ना कि उन्हां ने एक भी मंग पूरी तो नहीं की, पर सानू रगड़ रही है सरकार। तो वो 18 वो मंगा जेड़ियाँ अगर पंजाब नू मिल जांदियां या अज मिल जान तो पंजाब तो खुशहाल स्टेट अपने इंडिया दे विच कोई भी नहीं हो सकती। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, उम्मीद करते हैं तुसी सारे ही चढ़दी कला विच होवोगे, फौजां भी चढ़दी कला च ने। वाहिगुरु जी, अज असी गल करनी है संत जरनैल सिंह जी दे बारे। ते ओ जिहड़े 18 मते उन्होंने पंजाब दे हक्कां लई सरकार दे अगे रखे सी, उहदे बारे पूरी जानकारी आपां अज कोशिश करांगे तुहाडे नाल शेयर करन लई। खास करके ओ बच्चे जिन्हां नूं इस बारे गलत फहमी च रखिया गया है। सरकार दी गेम तां इही है कि हर चीज़ नूं, उन्हां दा प्रोपोगंडा है हर चीज़ नूं नैगेटिव शो करना। जिद्दां कि अपने पंजाब तो बाहर संत जी नूं बड़े ही गलत नामां नाल दस्या जाता है, वो आपां सब नूं पता है की कहा जाता है कि यह खालिस्तानी ने, यह आतंकवादी ने, या जो भी है टैग साढ़े ते बथेरे ने। पर वो समा हर चीज़ नूं आपे ही सच अगे आंदा रहिंदा है समय सिर, है ना वाहिगुरु जी। पर आपां अपनी जंग जिहड़ी जारी रखनी है, आपां अपने आने वाले पीढ़ी, आने वाले बच्चियां नूं, पीढ़ी नूं, ते जिहड़े अजकल बच्चे इतिहास बारे बहुता नहीं जानते, आपां उन्हां तक इह गल्लां जरूर रखनियां ने कि वो जिहड़ा समा सी 1984 का, जिन्हों काला दौर कहा जाता है, जिन्हों यह कहा जाता है कि उस टाइम पर तो बड़ा कुछ गलत होया, पर उस गलत कहण वालियां नूं यह भी सोचना पेगा कि उहदे विच चंगा की होया। जे यह लड़ाई अज भी जारी है, वह किस तरीके नाल जारी है, उहदे विच सी की, उहदे विच पंजाब दे हक मंगे सी, हक तो अज भी मंग रहे हैं, इहदा मतलब लड़ाई तो अज भी जारी है, लड़ाई तो कभी मुकी ही नहीं, पंजाब की लड़ाई कभी मुक भी नहीं सकती जदों तक सेंटर गौरमेंट पंजाब के हक नहीं दूगी। अपने जिवें हुण बंदी सिख ने जिहड़े, वह भी तो अज तक जेलों चो उहदी भी लड़ाई चल रही है ना, जेलों च बैठे हैं ना, वो साढ़े व्डे जिन्हें भी वीर ने, वह कदों के जेलों च बैठे है, तो उनकी सज़ा पूरी हो चुकी, सज़ा पूरी हो चुकी। इदा ही वह भी एक साड़ी मंग है। आपां अज जे देखिए मोहाली मोर्चा चल रहा है, वह भी तो एक मंग के तौर पर प्रोटेस्ट ही चल रहा, आप मंग कर रहे हैं सरकार नूं कि साढ़े बंद जिहड़े बंदी सिख ने उन्हां जल्द तो जल्द छड्डिया जाए। फिर उस तरह ही संत जी भी उस टाइम पर सानू सिखा के गए कि पंजाब दे, वैसे देखा जाए तो 18 मंगा सी मते विच, आनंदपुर का मता जिन्हों आप जिस नाम नाल जानते हैं, तो अगर वो 18 मते दे उत्ते पंजाब पहरा दवे ते वो 18 मते कबूल हो जान तो पंजाब तो वड्डी खुशहाल कोई स्टेट नहीं हो सकती। सतपचन, ठीक है जी। हुण आपां जदों इहदे बारे पढ़ते हैं, एक एक मते नूं, एक एक जिहड़ी मंग नूं पढ़ते हैं, तो सानूं समझ आता है कि उन्होंने अपने लिए थोड़ी कुछ मंगिया, उन्होंने साडे ही तां हक सानूं दसे कि तुसीं जे सही अपनी पंजाबीयत नूं जिंदा रखना है, अपनी कौम नूं बचा के रखना है, अपने आने वाले जिहड़े बच्चे है उन्हां नूं किद्दां तुसीं पंजाब दे इतिहास नाल जोड़ के रखना है। हुण अज सरकारां तां बिल्कुल ही ली तो उतर के साढ़े नाल धक्का कर रही है कि पंजाब का इतिहास खत्म हो जाए, भाषा हिंदी रह जाए, पंजाबी खत्म हो जाए। ये पंजाब दे विच इस टाइम तुहानू पता ही है कि पंजाबी शहर घट होणगे ते इत्थे बाहरों आए हुए लोग ज़्यादा मिलणगे तुहानू। यह सारी खेड चल रही है, यह भी एक प्रोपोगंडे के तहत ही हुंदा, उंज नहीं हुंदा बाकी स्टेट्स दे विच, एडी आ कोई गल नहीं, नशा भी इत्थे ही, सब कुछ इत्थे ही, है ना। चलो अज आपां गल करदे हां, संत जरनैल सिंह जी ने 1982
जो सरकार अगे मंगा रखिया वह की सन अते किनिया सन। 18 मंगा रखिया सी। इसनू भारत देश जो मर्जी कहे पर संतां ने तां पंजाब दे बंदे हक मंगे सी, जो कि पंजाब दा हक बनता है। अज सिखां वल्लों एक एक बंदे हक सरकार तो मोर्चे लगा लगा के मंगे जा रहे हैं। जिवें कि पिछले समय दौरान आप देखिया किसानी मोर्चा जिहड़ा दिल्ली दे बॉर्डर दे उत्ते चलिया तकरीबन साल, एक मंग पूरी कराने लई एक साल सड़कां ते बहना पिया एक मंग पूरी कराने लई। वह भी वह मंग सी जिहड़ी उन्होंने बिल पास करते ते वह बिलां नूं वापस कराने लई। आपां कोई अपने जिहड़े बिल्कुल जरूरी हक अज तक ने उन्हां चों कोई शर्त नहीं पूरी हुई, सिर्फ वह बिल जिहड़े उन्होंने साडे ते थोपे सी उही वापस लए। कोई आपां कोई उधरों एड्डी वड्डी जित लै के तां आए नहीं, ठीक है ना। वह मोर्चे च आपां देख ही लिया ते हुण अगे चल रहा जिहड़ा मोहाली वाला मोर्चा चल रहा, तो इदां पता नहीं किन्ने मोर्चे लाने पैणगे सानूं ते हक फिर भी पूरे नहीं मिलते। संता दे दसे 18 मतियां विच्चों हर एक मंग पंजाब लई बिल्कुल ही जायज़ ने। आओ एक एक करके समझिए आनंदपुर दे 18 मते। पहला मता, देश की आज़ादी विच सिखां ने 94% शहीदियां दित्तियां 94। सो यह गल मुख रख के यूरोप देशां अमेरिका कैनेडा की तरह पंजाब स्टेट नूं खुद मुख्तियारी दित्ती जावे। इसका मतलब की है वाहगुरु जी? इसका मतलब यह है कि पंजाब अपने फैसले आप कर सके, ना कि गौरमेंट जिहड़ी सेंटर गौरमेंट है उहदे तरले कढ़ने पैण, जो कि देख ही रहे हैं हम अभी कि कैसे सब अब कैसे तरले कर रहे हैं ना, और कुछ हो रहा है फिर भी नहीं हो रहे। यही संत जी पहले हम सबके लिए लड़ रहे थे और देखो बिल्कुल उन्हीं को ही इसी सरकार ने उन्हीं को ही ऐसे पिक्चर बना दी उनकी कि वो गलत है और गवर्नमेंट सही है, जबकि नहीं, गवर्नमेंट पहले भी गलत थी और आज भी गलत है, ठीक है। और जो ये चीज़ नहीं समझ रहे ना आज, कोई बात नहीं, जब आपके घर में घुस के जब ये चीज़ें होंगी ना उस दिन बात करेंगे।